हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। आप लोग यहाँ पर एक वीडियो मांग रहे थे कि सर किस तरह से आपने स्टूडियो बनाया, और मैं आप लोग जानते हैं कि अभी मुझे ट्रांसफर होना पड़ा था इमरजेंसी में, और फिर हमने इस तरह से स्टूडियो बनाया। आप लोग देख सकते हैं कि पहले कुछ इस तरह का रूम था, और फिर ट्रांसफॉर्म करके हमने इसको इस तरह से स्टूडियो है वो बनाया है। अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, वो भी किए गए हैं, लेकिन ये वीडियो स्टार्टिंग ही मैंने बना दी थी जैसे ही हमने इस रूम को ट्रांसफॉर्म किया था, उसके तुरंत बाद की ये वीडियो है। अभी तो इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, और अभी चेंजेस किए भी जाने हैं, जैसे यहाँ पर कारपेट है वो भी बढ़ना बाकी है, और यहाँ पर हमें नॉइस कैंसिलेशन के लिए यहाँ पर जो बैंड डोर के बाड़ है वो भी हमें रिप्लेस करानी पड़ेगी, इससे काम नहीं चल पा रहा है। तो कोई बात नहीं, और यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं कि इस रूम से इस रूम में कन्वर्ट करने में हमें कौन कौन से चैलेंजेस आए, और हमने किस तरह से इसको बनाया। देखिए स्टूडियो बनाने में कितना कॉस्ट आ जाता है, अगर आप लोग भी टीचिंग स्टूडियो बनाना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितना कॉस्ट आता है। देखिए स्टूडियो तो हमने यहाँ से 700 रुपए से भी वैसे स्टार्ट किया है। देखिए ये जो सबसे सस्ता है, मतलब 650 रुपए में एक स्टूडियो बन के तैयार हो जाता है, जिसमें आप लोग पढ़ा सकते हैं। तो मैंने भी स्टार्टिंग पहले इसी तरह से, आप लोग देख सकते हैं दीवार में ये जो कवर है इसको चिपका करके इसी में मोबाइल फिक्स कर देता था, यहाँ से हम लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ाता था। फिर इसके बाद में एक और स्टूडियो होता है, वो लगभग में आपका 2100 रुपए तक का बन जाता है, मतलब 2100 से लेकर के 2300 रुपए तक का बन जाता है, जिसमें बोर्ड वोर्ड के साथ में आप पढ़ा लेते हैं। लेकिन जैसे अभी हमारे स्टूडियो है, इसको बनने में लगभग में 1 लाख का खर्चा आ जाता है। जैसे अभी मैं आप लोगों के लिए प्रोफेशनल रूप से पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट, ये काफी बेहतर आप लोगों को स्टूडियो देखने को मिलेगा, लेकिन ये लोएस्ट कॉस्ट में बनाते हैं। जैसे अगर आप स्टूडियो के जो एक्सपर्ट होते हैं, अगर उनसे लाइटनिंग कराएंगे तो लाइटनिंग का वो लगभग 5000 से 10000 की लाइटनिंग कर देते हैं रूम के अंदर, लेकिन मैं 1300 से लेकर के 1700 रुपए की लाइटनिंग करके अपना काम चला लेता हूँ। और इसके अलावा अगर आप जो बोर्ड होता है, डिजिटल बोर्ड होता है, अगर उस तरह का अगर आप स्टूडियो बनाना चाहते हैं, तो लगभग में आपका 2.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक खर्चा आ जाता है। उसमें डिपेंड करता है आप किस प्रकार के कैमरे और क्या चीजें यूज करते हैं। तो हमारा जो स्टूडियो है, अगर आपके पास में इन्वर्टर है और बहुत अच्छा एक कंप्यूटर है आप लोगों के पास में, तो आप लोग इसे लगभग में 20 से 25 हजार या 30 हजार तक में भी तैयार कर सकते हैं। वो हम सारी चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे, ओके। और आप लोगों की जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उनके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा, ओके। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से जो ये स्टूडियो था, मैं यहाँ पर कुछ चीजें आप लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ। जैसे इस स्टूडियो हमें क्यों ट्रांसफर करना पड़ा था, तो आप लोग जानते हैं मैंने एक वीडियो इलाहाबाद में डाली थी कि अब मैं आप लोगों के लिए क्लासेस नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो आप लोग जानते हैं काफी चोट आ गई थी, और इस बार कई बार हॉस्पिटलाइज भी हम हो गए थे। और हमारे वैसे सब कुछ प्लेटफॉर्म है, आप लोग जानते हैं कि गूगल प्ले स्टोर पर भी हमारा प्लेटफॉर्म है, सब कुछ A to Z। मतलब 800 सब्सक्राइबर पर, मैंने केवल 800 सब्सक्राइबर थे तब मैंने अपनी खुद की ऐप बन पाई, और सारे प्लेटफॉर्म है। आज आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सारी जगह क्लब का ही आता है, अगर आप क्लब आई से सर्च करेंगे तो काफी ज्यादा मेहनत की थी, और मैंने अचानक से बोल दिया कि आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर आप लोगों के कॉल पे कॉल आने लगे, मैसेज आने लगे, और मैं अभी भी व्हाट्सएप के मैसेज नहीं देख रहा था, क्यों वो भी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ओके। तो दोबारा से मैंने यहाँ से स्टार्ट करने का सोचा, तो सबसे पहले तो जब चोट लगी हुई थी तो मैंने तभी मैंने घर आने का डिसीजन लिया था, और मैंने सामान पैक करना प्रारंभ किया, और सामान पैक करने के बाद में मुझे घर भेजना था, और मेरे तो चोट लगी हुई थी तो मैं पहले तो सोचा कार से भेज दूं, लेकिन कार से बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रहा था। फिर मैंने बस स्टैंड पे जाकर के बस वाले से कांटेक्ट किया, और फिर सिविल लाइन जो बस थी, मतलब इलाहाबाद की बस थी, उससे अपने यहाँ ट्रांसफर करा दिया। लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्ट बस नहीं जाती थी, हमें एक रास्ते में बस चेंज करनी पड़ती, लेकिन हमने ड्राइवर को ही सारा सामान दे दिया जो भी भारी भारी था, और सारा सामान था वो ट्रेन से लेकर के आए थे, तो उन्होंने भगवान के भरोसे मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा भाई यहाँ पहुंचा देना कैसे भी, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता हूँ बस में, मैं तो ट्रेन से आऊंगा। तो मैं फिर बस में तो सामान भेज दिया जा करके, और 1 से 2 दिन का मैंने वेट किया, क्योंकि अगर कुछ हेरा फेरी अगर सामान की हो जाती तो मैं किसको ढूंढता जा करके, इसलिए मैं इलाहाबाद में रुका रहा हूँ। और फिर मैं दूसरे दिन इलाहाबाद से ट्रेन जो इलाहाबाद जंक्शन पे गया, फिर वहां से ट्रेन से गांव पहुंचा अपने। लेकिन गांव से मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत क्लासेस है वो दे दिया करूंगा, लेकिन गांव में एक समस्या आ रही थी, आपके कॉल्स पे कॉल भी बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ से तो गांव में क्लासेस देना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम थी, और ब्रॉडबैंड कनेक्शन तो गाँव में मिल नहीं पा रहा था। मैंने आउटडोर वाला भी मैंने बात की थी कि आउटडोर से हमें मिल जाए, क्योंकि मेरे पास में सारा सिस्टम है आउटडोर का, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइडर हमको नहीं दिए। फिर मैं अपने शहर में आया, तो शहर में
हमारा एक मकान है जो 6-7 साल से बंद है, उसके कई सारे रूम है वो काफी अच्छे हैं, लेकिन मुझे जो रूम चाहिए था वो कुछ इस तरह का था, क्योंकि इसके पास में ही एकदम नल है और बगल से इसके नाली गई हुई है, तो एक्चुअली उसका पानी था वो इसके अंदर आता रहा, जिससे फर्श भी बैठ गई और बहुत ज्यादा सीलन आ गई थी। और रूम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वाला रूम सबसे घटिया था। और इसी में, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं स्टूडियो में तो हमें कई सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एक हमें बहुत बड़ी दीवार की जरूरत पड़ती है, तो इसी में मुझे सारी चीजें मिल पा रही थी, तो मैंने इसी को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में तो पहले दिमाग खराब हो गया कि इसमें कैसे सब कुछ होगा, फिर मैंने, कोई बात नहीं, दीदी हमारी यहाँ पर थी मेरे पास में, तो दीदी ने कहा चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, और फिर हम जय बजरंग बली का नाम लिए और काम करना शुरू कर दिए। और पुट्टी बुट्टी तो कुछ करना नहीं आता था, क्योंकि पूरे घर में पुताई वुताई वैसे होने को है, लेकिन हमारे यहाँ गन्ना, हमारे जो पीलीभीत है ना यहाँ पर गन्ना बहुत होता है, तो गन्ना ज्यादा होता है तो यहाँ पर लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और अभी गन्ने की कटाई चल रही है तो लेबर तो बिल्कुल नहीं मिल रही है, तो हमारे पूरे घर में पुताई होगी वो 1-1.5 महीने के बाद में होगी, तब तक तो मैं रुक नहीं सकता था, मुझे इंस्टेंट मेरा स्टूडियो चाहिए था। तो हमने डिसाइड किया चलो मैं अपने रूम में अपने आप में सारी चीजें करूंगा, और पूरे मकान में जब भी हो उससे मुझे मतलब नहीं, तो मैं अपने रूम में काम करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, और दीदी ने काफी हेल्प की, और फिर मैंने यूट्यूब से देखा कैसे पुट्टी की जाती है, क्या डैम प्रूफ होता है, फिर डैम प्रूफ हम लेकर के आए, फिर हमने पुट्टी करना सीखा, फिर हमने कलर, मैंने फर्स्ट टाइम पुट्टी और फर्स्ट टाइम कलर किया है, कभी जिंदगी में पहली बार मैंने किया है, तो हमने यहाँ पर करना प्रारंभ किया, और चोट लगी हुई थी। सबसे ज्यादा डांट तो मम्मी की लगती थी, जब भी मम्मी फोन करती थी कहती थी तू इलाहाबाद से आया ही क्यों, जब तुझे यही सारी चीजें करनी थी तो इलाहाबाद में रहता, तो मम्मी जब भी फोन उठाती थी वैसे ही मुझे डांटना शुरू कर देती थी, मम्मी पापा हमारे गांव में रहते हैं, लेकिन मैंने एक भी नहीं सुनी। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे चोट लगी हुई, तो पट्टी अभी खुली नहीं थी, ज्यादा देर नहीं हुए थे, लेकिन मैं काम स्टार्ट कर दिया था, बीच बीच में थोड़ा बहुत चक्कर वक्कर आता था तो बीच में काम रुक जाता था 2-3 घंटे के लिए, लेकिन फिर से हम स्टार्ट कर देते थे। ये मेरा भांजा है, बहुत शैतान है, मुझे बहुत परेशान करता है। तो पहले तो क्या हुआ, यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर किया, एक्चुअली व्हाइट कलर क्योंकि अगर आप लोग भी स्टूडियो बनाना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि एक हमें क्रोमा की जरूरत होती है, तो मैंने सोचा था पहले मैं कि पीछे क्रोमा की नहीं लगाऊंगा, मैं ग्रीन कलर ही करूंगा, लेकिन अब मैं तो एक्सपर्ट था नहीं कलर करने में, तो प्रॉब्लम क्या आई, तो देखिए इस तरह से हमने पहले व्हाइट कलर किया पूरे में, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा स्किप कर करके, क्योंकि ये वीडियो तो बहुत लंबी है, हम इसमें बहुत देर तक काम करते रहते हैं। 3 दिन हमें पेंट करने में लगा था, क्योंकि मैंने 3 से 4 बार इसमें पेंट किया था, फिर ऊपर भी सारा हमने पेंट किया, चढ़ चढ़ के मैंने जितना हो सके मैंने वैसे इसमें पेंट करने की कोशिश की, और एक एक जगह मैंने इसकी चमकाने की कोशिश की थी, तो देखिए इस तरह से सारा काम यहाँ पर हमारा चलता रहा। और फिर एक प्रॉब्लम आई, क्या वो मैं आपको बताता हूँ, तो देखिए इस तरह से, और यहाँ पर ठंडी का मौसम है, पेंट सूख नहीं रहा था, तो हमने पंखा साला साला करके इसको सुखाया, जिससे हम रात में, एक मैं सुबह करता था पेंट और फिर शाम को करता था, तो इस वजह से पंखे से मैंने इसको सुखा सुखा करके बनाया। तो देखिए प्रॉब्लम क्या आई, ये कलर आप देखेंगे ना, ये कलर देखिए इस तरह का कलर कुछ आ रहा है, लेकिन मुझे क्रोमा की के लिए इस तरह का कलर चाहिए था, लेकिन ये दीवार पर ऐसा था, जब मैं अपना कंप्यूटर ओपन किया और मैंने क्रोमा की लगाई तो वो तो चल ही नहीं पा रहा था, तो फिर मेरा मूड खराब हो गया, मैंने कहा यार पेंट भी बेकार हो गया, पेंट कलर हम बना नहीं पाए थे, मतलब उसमें रेशियो होता है वो रेशियो में मिक्स नहीं कर पाया था, इस वजह से हमारा कलर निकल के नहीं आ पाया, और मैंने ठीक से घोला भी नहीं था, तो आप देख सकते बीच बीच में सफेद सफेद स्पॉट बन गए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जिंदगी में किया था। तो मैं मार्केट गया, क्योंकि यहाँ पर मुझे अब ये पर्दा लगाना था, फिर मार्केट गया, मार्केट से हमने शॉपिंग करना यहाँ पर स्टार्ट किया। एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा देखिए, मैंने फिर मार्केट गया था अपनी रात में ही, मैं मार्केट गया था, मार्केट में पहले बहुत सारी चीजें लेकर के आया, क्योंकि मुझे पर्दा लगाना था, पाइप वाइप और बहुत सारी चीजें, और यहाँ पर मच्छर मच्छर की समस्या थी, उसको भी दूर करने के लिए मैं मार्केट गया और सारी चीजें मैं खरीद के लेकर के आया, और फिर मैंने डिसाइड किया कि पहले इधर पर्दा यहाँ पर लगाना है, वैसे तो ये मुझे सारी रिप्लेस करानी है, क्योंकि स्टूडियो में नॉइस कैंसिलेशन बहुत जरूरी होता है, तो इनके बाड़ों में एयर गैप बहुत है, तो आवाज तो आती रहती है, तो यहाँ पर मुझे एयर सील वाली ये सारी चीजें चाहिए होंगी, ये हम जनवरी में कराएंगे अभी, क्योंकि थोड़ा सा भी घर पर बहुत काम चल रहा है गन्ने वन्ने का, वो हो जाएगा फिर यहाँ पर काम किया जाएगा। तो मैंने टेम्परेरी रूप से तो खुद से ड्रिल व्रिल मशीन में ले आया था दुकान से उठा करके, मैंने कहा अरे दे दो मैं खुद ही कर दूंगा, तो ड्रिल मशीन से होल किए और फिर इधर मैं पर्दा वर्दा लगाना इस तरह से प्रारंभ किया। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये आप लोगों को भी जरूरत पड़ेगी अगर आप लोग प्रोफेशनल रूप से पढ़ाना चाहते हैं। देखिए ये वाली दीवार थी जो मैंने कहा था ना कि हमें एक बड़ी दीवार की जरूरत थी, तो एक बड़ी दीवार मुझे इसी पर मिल पा रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही मैंने क्रोमा की लगाने का सोचा और यहाँ पर ही मैं आप लोगों के लिए
पढ़ाता हूँ जिससे ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये सारी चीजें यहाँ पर लगाई, एक सेकेंड मैं इसको बैक करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरह से क्रोमा की यहाँ पर लग करके आती है, और एक क्रोमा की कितने की मिलती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक क्रोमा की है, ये जो पर्दा है सिर्फ पर्दे पर्दे की अगर हम बात करें, ये पर्दा लगभग में आपका 200 रुपए से लेकर के 599 रुपए तक का बहुत अच्छे से अच्छा आता है। जैसे क्वालिटी का आप लेंगे वैसे क्वालिटी का आपका मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग वॉल पे भी कर सकते हैं तो आप पेंट वहां से ही बनवा के लाइएगा, इसी कलर का सेम वो आपको कलर दिखाएंगे, तो इस कलर का आप दिखाएंगे तो वो कलर बना देते हैं, मशीन से बना देते हैं। जो मैंने गलती कर दी, मैंने मशीन से कलर नहीं बनवाया था। अगर आप मशीन से कलर बनवाएंगे तो लगभग मैं आपका एक बॉल के लिए, एक ही बॉल पे कीजिएगा, और मैंने दूसरी गलती किया कि वो भी आपको बताऊंगा। तो बॉल पे आप लगभग में 1 लीटर आपका हो जाएगा, तो आप ला करके 600-700 रुपए में आप आराम से पेंट कर सकते हैं। मैंने दूसरी गलती किया कि मैंने पूरे रूम का कलर है ना एक ही कर दिया। अब एक ही कलर करने से एक मुझे समस्या आ रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। ये देखिए समस्या क्या आ रही है, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये रूम है, मैंने सारी दीवारें एक जैसी कर दी। अब मैं जब भी एक क्रोमा की हटा करके विदाउट क्रोमा की के जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मेरा चेहरा हो जाता है वो हरा हरा हो जाता है, तो मैं इसके बिना रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो बाद में जब भी घर में अब दोबारा से 1-1.5 महीने के बाद पुताई होगी तो मैं सोच रहा हूँ सारी ये वॉल है, 3 दीवारें हैं, ये व्हाइट करा दूँ या पिंक करा दूँ, जिससे मैं विदाउट क्रोमा की भी रिकॉर्डिंग कर पाऊँ, वरना चेहरा क्या हो जाता है हरा हो जाता है। ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस समस्या का भी समाधान किया जाएगा। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे क्या हुआ था, ये जो पर्दा मैं लगा रहा था क्रोमा की लगा रहा था, तो मेरा सिर यहाँ पर लग गया था, फिर मेरी चोट लग गई थी, फिर एक रात के लिए काम हमारा रुक गया था। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। फिर हमने यहाँ पर बुक्स बुक्स जो सारा सामान था वो मैंने यहाँ पर सेट करने का सोचा, और मैंने सारी जो भी कट्टे वट्टे थे और कार्टून डिब्बे थे उनसे मैंने सामान निकालना स्टार्ट किया और इस तरह से सेट करना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर सेट करने के बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, अगले दिन हमारा काम था यहाँ पर लाइटनिंग का। अब लाइटनिंग के लिए मैंने पहले तो गया था शॉप पर, मैं पहले वहां से बनवा के लाया था सारी चीजें, लेकिन वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं थी, तो मैंने दोबारा से खोल करके दोबारा से स्टार्ट किया। तो देखिए उसमें मेरा कितना फास्ट आया और क्या आया, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। तो देखिए ये तो सारा सामान इस तरह से पड़ा हुआ है, तो इतना काम तो हो चुका था, लेकिन अभी हमारा बहुत सारा काम अभी बचा था शेष। देखिए यहाँ पर अब मुझे इन्वर्टर लगाना था और मुझे अपने अकॉर्डिंग सारे कनेक्शन करने थे, क्योंकि हमारी लाइटें हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग लाइटें जलाता हूँ कि मुझे क्लास देना है तो मैं कितनी लाइटिंग जलाऊंगा, अगर मुझे डायरेक्ट रिकॉर्ड करना है तो कितनी लाइटें चलनी चाहिए, मुझे लाइट के साथ में मेरा कंप्यूटर चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, तो ये सारे कनेक्शन मैं खुद से ही किया, क्योंकि वो सारे अपने अकॉर्डिंग करते हैं, मुझे अपने अकॉर्डिंग सारे कनेक्शन करने थे। तो मैं सारा बोर्ड बोर्ड खुद से लेकर के आया था, सिर्फ बोर्ड का वो कनेक्शन करके दिए थे, तो मुझे वो समझ में नहीं आया, मैंने सारी चीजें हटा करके दोबारा से यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। तो देखिए मैं यहाँ पर ये यह सारा बोर्ड मैं खुद ही लगाता हूँ, मैंने सारा कनेक्शन किया, मुझे ये कनेक्शन करने में लगभग 4 से 5 घंटे लग गए थे, क्योंकि इसलिए लग गए थे क्योंकि मेरे पास में सारी चीजें भी नहीं थी, तो कभी कभार मुझे पेचकसी काम चलाना पड़ता था जो काम किसी और चीज का होता था, तो थोड़ी सी समस्याएं भी आई यहाँ पर। और यहाँ पर वायरिंग भी नहीं थी तो मुझे सारी वायरिंग भी करनी पड़ी, और मुझे वायरिंग के लिए काफी रुकना पड़ा था, क्योंकि मेरा दोस्त था वो बोला था मैं वायरिंग करा दूंगा, लेकिन वो आया नहीं, वो शादी उस दिन चला गया था। तो फिर फाइनली जाकर के इस तरह से कुछ स्टूडियो है वो बन करके आया था हमारा। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ सारा कितना कॉस्ट आ जाता है लगभग में, एक सेकेंड। ये देखिए हाँ, यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ अपनी क्लासेस के बारे में। तो देखिए स्टूडियो तो हमारा बन गया था, लेकिन यहाँ पर हमारी वाईफाई नहीं लग पाई थी, क्योंकि वाईफाई कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मोबाइल से जो वीडियो है वो क्लास है वो रिकॉर्ड करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। मोबाइल से तो क्लास रिकॉर्ड कर दी, लेकिन यहाँ पर अपलोड नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब रिकॉर्ड करते हैं वो फाइल बहुत बड़ी हो जाती है, 2.5-3 GB की फाइल हो जाती है, और मोबाइल से वो आधी पड़ती थी फिर कैंसिल हो जाती थी, क्योंकि वो रात भर रुकी रहती थी, डेटा खत्म हो जाता था, या फिर डेटा बहुत स्लो चल रहा था तो वो पड़ी नहीं पाती थी। तो ये जो थी आधी ही पड़ी थी, आधी वीडियो पड़ी थी, मतलब आधी अपलोड हो गई थी आधी नहीं हुई थी, मैंने शेड्यूल भी की थी लेकिन आप लोगों को ये मिल नहीं पाई थी। तो हमने आप लोग देख सकते हैं वाईफाई वाले से डेली ही मेरी कितनी सारी कॉल हुई, एयरटेल मैं चलाता हूँ वाईफाई, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी मेरी कॉल हुई है यहाँ पर एयरटेल वाले से कि भाई लग बात हो, लेकिन वो कभी कोई बहाना बना देते थे, कभी कोई बहाना बना देते थे,
फिर देखिए मेरा यहाँ पर एक बार कैंसिल भी हो गया था जो कनेक्शन था, फिर बाद में दोबारा से हमारा जो कनेक्शन था वो लग गया था जैसे तैसे, फिर मैंने कनेक्शन यहाँ पर लगवाया, आप लोग देख सकते हैं। और हमारे इधर पोल नहीं था, मैंने आपको बताया था ना कि दूरी ज्यादा थी, इस वजह से हमारे यहाँ कनेक्शन नहीं लग पा रहा था। 150 मीटर तक ये कनेक्शन देते हैं। फिर मैंने अपने ऑप्शन से जुगाड़ वुगाड़ की थोड़ी सी, और मैंने इनकी हेल्प की, और पोल नहीं था तो मैं गुलमेक लेकर के आया। तो फिर गुलमेक मैंने ठुकवा करके, दीवाल है बहुत लंबी दीवाल है, इसी दीवाल पे मैंने इसको लगवा दिया था। फिर ये जा करके हमारे यहाँ ब्रॉडबैंड लगा, और ब्रॉडबैंड लगा तो मैं जैसे ही ब्रॉडबैंड लगाया था और मैंने कंप्यूटर से कनेक्ट किया था, कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद में अपने आप वीडियो अपलोड हो गई थी। तो इसी वजह से आपको 3 या 4 बजे वो वीडियो अपने आप मिल गई होगी, कल या परसों। तो वो मैंने अपलोड नहीं की थी, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो गई थी, क्योंकि वो मोबाइल से मैं आपको देने वाला था लेकिन वो नहीं हो पाई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि तो आप लोगों के लिए खुश किस खबरी। तरह से सारी चीजें आई थी। अब देखिए जो आपकी क्लासेस है वो भी जेन की है, वो भी स्टार्ट हो जाएगी, ये आपको अभी संडे को मिला करेगी, और फिर वेनेसडे को मैं आपको बता दूंगा कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ये वाली क्लासेस है ये 3 बजे से हुआ करेगी, जैसे आप लोगों ने कहा था, तो 3 PM से। अब मैं फ्री रहता हूँ तो आपकी जो पॉलिटी की क्लास है वो 3 PM से हुआ करेगी, या तो मैं लाइव पढ़ाऊंगा या फिर आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, लेकिन 3 बजे ऑन टाइम पर आपको डेली मिलेगी। कब से मिलेगी? कल से आप लोगों को मिला करेगी। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं जो आप लोग पूछना चाहते थे कि कितना कॉस्ट आया लगभग में। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए कंप्यूटर लेते हैं तो कंप्यूटर आपको कम से कम 50 से 60 हज़ार वाला लेना पड़ेगा, इससे कम वाले से काम नहीं चलता है। i5 कम से कम 7th जनरेशन होना चाहिए, ये लैग करता है 7th जनरेशन में, आप लोगों से क्लियर बता देता हूँ। इसके अलावा 8 GB कम से कम रैम होनी चाहिए, 500 GB आपके पास में हार्ड ड्राइव हो, या फिर SSD है तो 256 GB आपको लोग काम चल जाएगी, इतना रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा आपको एक पेन टैब चाहिए होता है, पेन टैब है लगभग में 6,000 तक का, बहुत अच्छा हो जाता है। मैं चलाता हूँ वो 8,000 वाला चलाता हूँ, मुझे क्योंकि उसमें बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं इसलिए मैं 8,000 वाला चलाता हूँ। इसके अलावा आपको ट्राईपोर्ड चाहिए होता है, कैमरा चाहिए होता है, आपको वाईफाई के लिए चीजें चाहिए होती हैं, लाइटनिंग चाहिए होती है, और इसके अलावा आपको बैकअप के लिए, अगर आपके यहाँ इन्वर्टर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको इन्वर्टर लेना पड़ेगा। लाइव क्लास अगर लेते हैं, अगर आप रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे सारी चीजें, और इसमें बहुत सारी चीजें हो सकता है अभी भूल गया हूँ, ये सारी चीजें अगर आप लोग देखेंगे और लगाएंगे तो ऑन एन एवरेज आपका जो खर्चे है, अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर जीरो से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास ना इन्वर्टर है, ना लैपटॉप है, ना पेन टैब है, ना कैमरा है, ना ट्राईपोड है, कुछ नहीं है, तो लगभग में आप एक बहुत प्रोफेशनली अगर आप स्टूडियो बनाना चाहते हैं तो लगभग में आपका 1 लाख खर्चा आ जाएगा, थोड़ा सा प्लस ही चला जाता है लेकिन लगभग में 1 लाख तक में काम चल जाता है। और अगर आप बोर्ड वाला पढ़ाना चाहते हैं तो बोर्ड पर, आप लोग बोर्ड पे पढ़ाना चाहते हैं तो 2100 रुपये का बन जाता है, उसमें मोबाइल एक ट्राईपोड लेना होता है, उसमें मोबाइल लगाना होता है और हम डायरेक्ट बोर्ड पर पढ़ाने लगते हैं बोया के माइक से। और अगर आप डायरेक्ट मेरी तरह स्टार्टिंग में पढ़ाना चाहते हैं मोबाइल को चिपका करके दीवार पर, तो आपको एक सिर्फ माइक अच्छा लेना पड़ता है, लगभग में 600 साढ़े 600 रुपए का माइक आ जाता है बोया का, वो आप ऑनलाइन लेंगे तो वो लगभग 700 रुपए का पड़ जाता है। तो आप उस माइक को लेकर के आराम से क्लासेस दे सकते हैं सिर्फ 600 रुपए में। तो आप जैसा भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। वैसे मैंने नंबर अपना हटा दिया तो आप लोग अभी बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो सारे आप लोगों के जवाब दिए जाएंगे। क्लासेस की अगर बात करें तो क्लासेस कल से आप लोगों की प्रॉपर रूप से स्टार्ट हो जाएंगी, और विजन भी आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दी गई है। जिन लोगों ने टेलीग्राम से हमसे ज्वाइन नहीं हुए हैं वो टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाए। वहां पर अभी हमने 16 तक जो 2023 PT विजन है वो हमने सेंड कर दिया है, आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी कोचिंग के अभी ड्रस्टी के, हाँ मैंने 1 से 10 तक ड्रस्टी के भी PT के टेस्ट पेपर है वो सेंड किए थे, और फॉरम IAS या इनसाइट IAS के भी सेंड किए थे, तो आप उन कोचिंगों के डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर फ्री रहता हूँ क्योंकि अब खाना वाना मुझे कुछ भी नहीं बनाना होता, कुछ भी नहीं करना होता है, तो अब मैं आप लोगों के लिए अच्छे से और भी सारी क्लासेस दे पाऊंगा, टेस्ट टेस्ट है वो बहुत सारी मल्टीपल कोचिंग के सॉल्व करा पाऊंगा, और आप लोगों को जो क्लासेस दूंगा हो सकता है नोट से इस बार मैं आप लोगों को क्लासेस दूँ, जिससे करंट अफेयर भी आपका प्रिपेयर करा दूँ, ऑन टाइम पर आपकी क्लासेस भी प्रिपेयर करा दूं, क्योंकि अभी बहुत सारी छुट्टियां आप लोगों की हो गई हैं, तो कवर अप करने के लिए मुझे नोट्स से पढ़ाना पड़ेगा, और नोट्स आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे, तो आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हैं देख करके, या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि
आप हम जब पूरी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे तो हमारी पीडीएफ आप निकलवा लेना, तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप लोग क्लास जरूर करिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं, ये प्री और मेंस दोनों के लिए हैं, और यहाँ पर हम आपको प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। आप लोग समझ गए होंगे कि क्लासेस आपकी क्यों लेट हो गई थी, वाईफाई कनेक्शन नहीं हो पाया था इस वजह से क्लासेस आपकी थोड़ी सी लेट हो गई थी। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप कैसे हैं, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, और जो चोट है वो भी हील हो गई है, दिखा नहीं सकते मैं अभी, तो इसी वजह से मैं कैप लगा के रखता हूँ क्योंकि अभी मेरे बाल नहीं है और यहाँ पर थोड़ी सी अभी चोट है। ऊपर से तो एकदम हील हो गई है, अंदर से हल्की फुल्की स्वेलिंग है, लेकिन मुझे कोई समस्या नहीं होती है, मैं एकदम ठीक ठाक हूँ। ओके, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। ओके।